Yesterday we studied about Lee Chatelier principle. हाँ जी, व्हाट इज दिस प्रिंसिपल बेटा? क्या कहता है ये प्रिंसिपल? If you are going to change any of the condition of temperature, pressure, concentration, then equilibrium will shift itself in such a way that it is neutralized at effect of the change. ठीक है? So yesterday we discussed about the effect of firstly concentration का discuss किया था. Concentration में क्या था बेटा? हाँ जी, concentration में क्या था? कि अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो जो आपका इक्विलिब्रियम है वो प्रोडक्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, और अगर आप प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो तो जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? रिएक्टेंट्स की तरफ. देन वी डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. व्हेनेवर यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट करेगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन की साइड, इन ऑर्डर टू फेवर द एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू डिक्रीज द टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन को फेवर करेगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डायरेक्शन. यस्टरडे आई गिव यू एग्जांपल ऑफ N2. एट इक्विलिब्रियम इनका जो रिएक्शन का चेंज है, एनर्जी चेंज है, डेट इज -92.5 किलो जाउल्स. ठीक है जी? हाँ जी, किस तरफ एक्सोथर्मिक है और किस तरफ रिएक्शन एंडोथर्मिक है? ये वाली एरो, दिस एरो एंडोथर्मिक इधर को है और एक्सो ऊपर. अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो ये इक्विलिब्रियम जो है वो किस तरफ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड और बैकवर्ड. इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इक्विलिब्रियम? फॉरवर्ड और बैकवर्ड? बैकवर्ड. और अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रही हूं तो इक्विलिब्रियम, इट विल बी फेवरिंग द फॉरवर्ड रिएक्शन. ओके, इज दिस क्लियर? सिमिलरली हमने कल N2 और O2 की प्रेपरेशन रिएक्शन की थी, एंड द एनर्जी चेंज वॉज +180 किलो जाउल्स. अब बताओ, इंक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द फॉरवर्ड साइड, एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द बैकवर्ड्स. ठीक है, क्योंकि यहां पर अब ये क्या है, दिस इज एंडो एंड दिस इज एक्सो. इज दिस क्लियर? चौदह गौरव भैया, ठीक है बेटा, दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. नाउ नेक्स्ट राइट डाउन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. इसमें हम तीन केसेस डिस्कस करेंगे. Write down the first case. If the number of product moles is more than the reactant moles.
फर्स्ट केस में वो कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं वो रिएक्टेंट के मोल से ज्यादा हैं, देख सकते हो आप. हेयर वी आर टेकिंग वन मोल ऑफ दिस एंड हेयर वी आर टेकिंग टू मोल ऑफ दिस. ओके, इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द प्रेशर, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे ओके, या प्रेशर डिक्रीज करोगे, तो इक्विलिब्रियम जो है वो अपने आप को किस तरफ शिफ्ट करेगा, जिस तरफ कम नंबर ऑफ मोल्स हैं. दैट मींस योर इक्विलिब्रियम इट विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो लिख लो एक लाइन, द इक्विलिब्रियम पॉइंट विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन. ऐसे लिखो, इफ द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज्ड, इफ द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज्ड कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन. The equilibrium will shift in which direction? Backward direction. ठीक है? तो अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया है तो इक्विलिब्रियम ने उस तरफ शिफ्ट करना है जिस तरफ क्या है, कम नंबर ऑफ मोल्स हैं. अगर आपने प्रेशर डिक्रीज किया है, अब नाउ दिस इज द सेकेंड केस, इफ यू हैव डिक्रीज्ड द प्रेशर, अब इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट साइड जाएगा. इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द साइड विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ मोल्स. ओके, इंक्रीज, जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट करेगा, जिस तरफ कम नंबर ऑफ मोल्स हैं. अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो वो किस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, जिस तरफ ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं. ठीक है, नाउ राइट डाउन द सेकेंड हेडिंग. अब रिएक्टेंट के मोल्स अगर ज्यादा हैं, इफ द रिएक्टेंट इज हैविंग मोर नंबर ऑफ मोल्स, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक PCl3 प्लस क्लोरीन, इट इज गोइंग टू गिव अस PCl5. हां जी, अब बताओ बेटा, दिस इज वन मोल, दिस इज वन मोल एंड दिस इज आल्सो वन मोल. अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगी तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड. अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करूंगी तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, नाउ राइट डाउन द थर्ड हेडिंग. इफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ मोल्स, इफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दे आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ मोल्स. फॉर एग्जाम्पल, और एक बात याद रखनी है बेटा, दिस वी विल बी ओनली डिस्कसिंग इन केस ऑफ गैशियस कंपाउंड, क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट हम तभी लेते हैं ना. केपी भी हमने तभी स्टडी किया था व्हेन वी वर हैविंग द गैशियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो इसमें भी आपके ये सारे जो हैं वो गैशियस ही हैं, मेक श्योर दैट. हाँ जी, अब इनके कितने मोल्स हैं रिएक्टेंट्स के, प्रोडक्ट के, तो डेट मीन्स आप जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लो, आप जितना मर्जी प्रेशर कम कर लो, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम पर. इक्विलिब्रियम जहां पर है वो वहीं पर ही रहेगा. ओके, इफ यू आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ प्रेशर, इट विल बी लीविंग नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम. जितना मर्जी इंक्रीज कर लो, जितना मर्जी डिक्रीज कर लो. ओके, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है. हाँ जी, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में क्या स्टडी करेंगे हम, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है इक्विलिब्रियम पे, क्या इफेक्ट होता है कैटलिस्ट का. इक्विलिब्रियम पे बताओ, वो तो आप रेट ऑफ रिएक्शन कह रहे हो ना, व्हाट विल बी हैविंग इट्स इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम.
क्यों नहीं चेंज होगा? इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट तो इक्वली पार्टिसिपेट करता है, आपने अभी बोला तो रेट ऑफ रिएक्शन, फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बोल रहे हो? कैटलिस्ट इज गोइंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट इक्वल रेट. जितना फॉरवर्ड इंक्रीज होगा उतना ही बैकवर्ड इंक्रीज होगा, ठीक है. अब एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, व्हाट विल बी देयर इफेक्ट? कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है. चाहे कैटलिस्ट ने अपना इफेक्ट शो किया, चाहे कैटलिस्ट ने जो रिएक्शंस का रेट है वो इंक्रीज किया, बट दैट वर एक्चुअली गोइंग ऑन इन द टू डिफरेंट डायरेक्शंस, तो जो उसका नेट आएगा दैट विल बी कैंसलिंग आउट. तो कैटलिस्ट जितना मर्जी आप ऐड कर लो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे. कैटलिस्ट विल हैविंग नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम. So either you increase the amount of the catalyst or either you decrease the amount of catalyst, that is not going to alter the equilibrium point. Is that clear? So with this, यहाँ तक हमारा equilibrium का chapter जो हमने करना था for the exams complete है. Okay? So derivations है KPKC की, law of chemical propositions है या equilibrium है वो कर लेने हैं हमने. इसके जो numericals हैं वो मैंने एक दो करवा दी है, बाकी हम revisions में कर लेंगे, ठीक है. कल वाले न्यूमेरिकल का आंसर दे दो मुझे, कल वाले न्यूमेरिकल का आंसर दो. हाँ जी, कल वाले न्यूमेरिकल का आंसर यस ऑल. हैव यू सॉल्व द न्यूमेरिकल? सहज, दिलजीत, दिवनूर, बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही चलते रहे तो केमिस्ट्री में बहुत आगे जाओगे. You people are not doing your homework. You people are not giving your test regularly. दे रहे हो, उसमें भी फेल हो रहे हो. Very good. चलिए, write down the next chapter. States of matter. ये numerical कल हो जाना चाहिए. Otherwise, मैंने बाहर निकाल देना. Numerical हुआ होगा तो class में आ जाना, नहीं हुआ होगा तो बाहर ही रहना. ठीक है? Next, write down states of matter. Now again, there is homework for you. कल करके आओगे तो आ जाना अंदर. When we begin from the very first chapter, तो मैंने आपको कुछ volume की, कुछ pressures की values बताई थी at NTP, at STP, बताई थी. Pressures हम किस किस में express करते हैं. Tor है, ठीक है. mm of mercury है, atmosphere है, bar है. टेम्परेचर केल्विन डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम को आप किस में एक्सप्रेस कर सकते हो. तो ये सारे आपको यूनिट्स जो हैं वो कल याद होने चाहिए. व्हाट आई एम सेइंग, याद होने चाहिए. करवाए थे ना मैंने फर्स्ट चैप्टर में, तो वो सारे कल पढ़ के आने हैं और मैंने कल सुनने हैं पहले. बिकॉज इन दिस चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर वी विल बी यूजिंग दैट. प्रेशर, वॉल्यूम, वो सारे यूनिट्स जो हैं, इंटर कन्वर्जन जो हैं वो उनकी हम वो यूज करेंगे, ठीक है. नाउ लेट स्टार्ट. So in this particular chapter, what we will be discussing in detail about the behavior of the gases and the liquid. And that is very, very important. अगर आप देखो, मैंने आपको relation करवाया था KPNKC का, उसमें मैंने आपको बताया था ideal gas equation. तो वो इसी chapter से derive किए हमने, states of matter से. Okay? So we will be discussing about the behavior of the gases, how the gases they are behaving. Okay, at certain pressure, at this volume, at this pressure. Okay, so this we will be studying in the states of matter. So in general, सबसे पहले हम थोड़ी सी forces discuss कर लेते हैं. So write down
intermolecular interactions, intermolecular interactions. So इसमें लिखिए सबसे पहले dipole dipole. Write down the first is dipole dipole interaction. You all have heard this term dipole dipole. What do you mean by dipole? Di ka mean? What is di? Two. Pole means polarities. Polarities yani ki ek positive end hoga aur ek negative end. That is the meaning of a dipole. Any example of a molecule that is showing a dipole? HCl, very good. HF. Here the hydrogen, it will be carrying a positive charge, partial positive charge, and chlorine, it will be carrying a partial negative charge. ठीक है? अब जो interactions इनके बीच में हैं, this is one dipole, एक dipole है ये. इसको जो है वो दूसरा dipole अपनी तरफ interact करेगा. सेम वे से इसको भी जो है वो कोई दूसरा डाइपोल जो है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. सो इस तरह की जो इंट्रैक्शंस है इन दोनों के बीच में, इन डाइपोल्स के बीच में, दैट इज डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन. इज दिस क्लियर? क्लियर है? ठीक है. ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा है. इनके बीच में जो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रैक्शंस होती हैं, दे आर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस. ओके, नाउ नेक्स्ट राइट डाउन आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस. नेक्स्ट इज आयन डाइपोल इंट्रैक्शन. अब इसको समझो और मुझे इसका मतलब बताओ. जैसे आपने डाइपोल डाइपोल पढ़ी है, वैसे ही आयन डाइपोल है. हाँ जी बोलिए. एक आयन होगा आपके पास और दूसरा क्या होगा? एनी एग्जाम्पल इन योर माइंड? हाँ जी, एक आयन ले लेते हैं. मैं आपको हमेशा हाइड्रेशन एनर्जी का बताती हूँ. वेन एवर वी पुट एनी सब्सटेंस इन वॉटर, मैंने बताया था ना कि जो वॉटर है इसके आसपास सराउंडिंग्स कर लेता है. ठीक है, तो H पॉजिटिव जो है उसकी साइड कौन अट्रैक्ट होंगे? OH नेगेटिव, दे विल बी इंट्रैक्टेड मोर. ऐसे ही जो यहाँ पर है, ठीक है, जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो इसके आसपास क्या होंगे? सराउंडेड होंगे लाइक दिस. ठीक है, एक परफेक्ट अरेंजमेंट जो है वो आपका यहाँ पर बनेगा कि नहीं? इस वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, इसको सराउंड किया हुआ है कंप्लीटली. उसमें से ये जो OH वाले हैं, OH नेगेटिव आयन, दे आर परफेक्टली इंटरैक्टिंग विद दिस Na पॉजिटिव आयन. तो ये भी एक डाइपोल ही है आपका, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. सो दिस इज वन डाइपोल एंड दिस इज वन आयन. तो इनके बीच की जो इंटरेक्शन है, दैट आर आयन डाइपोल इंटरेक्शन. एंड इन द सेम वे अगर मैं क्लोरीन को डालूंगी वाटर में, तो इसके आसपास H पॉजिटिव आयन जो है वो ज्यादा सराउंड करेंगे और OH नेगेटिव आयन जो है वो थोड़े बाहर की तरफ सराउंड करेंगे. ओके, क्लियर है? ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आयन डाइपोल, राइट? नेक्स्ट लिखिए आयन इंड्यूस्ड डाइपोलर इंट्रैक्शन. आयन इंड्यूस्ड डाइपोलर इंट्रैक्शन. अब इसको समझना जरूरी है. आयन induced, induced का मतलब क्या होता है? What is the meaning of induction? What is the meaning of induced? Hmm?
डालना इन द सेंस कि वो इसमें क्या डाल रहे हैं, वो चार्ज डाल रहे हैं, ठीक है। आप लोअर क्लासेस में तीन मेथड्स करके आते हो, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड इंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में इंडक्शन टर्म जो है वो आप यूज करते हो, ठीक है, कि हम किसी के अंदर कुछ इंड्यूस कर रहे हैं, डाल रहे हैं किसी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं, यहाँ पर हम चार्ज इंड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चार्ज कौन इंड्यूस कर रहा है? आयन, क्योंकि आयन के ऊपर चार्ज है। वो किस में इंड्यूस करने की कोशिश कर रहा है? वो किस में इंड्यूस करने की कोशिश कर रहा है? एक पोलर मॉलिक्यूल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि आयन ने एक पोलर मॉलिक्यूल के अंदर क्या इंड्यूस कर दिया है? डाइपोल इंड्यूस कर दिया है। पहले इसका मीनिंग समझो, आयन ने एक पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सॉरी, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर क्या इंड्यूस कर दिया है? पोल्स इंड्यूस कर दिए। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ I2, H2, Cl2, दे ऑल आर नॉन पोलर, सारे नॉन पोलर है ना, ये पोलैरिटीज नहीं है ना इनमें। I और I का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो सेम है, दे आर कंप्लीटली नॉन पोलर। अब इस आयन ने क्या किया, हेयर द के आई पोटेशियम आयोडाइड दैट विल स्प्लिट इनटू दिस के पॉजिटिव एंड आई नेगेटिव, इसने क्या किया है, एक सर्टेन टाइम में, ऊपर बना देती हूँ, फॉर अ सर्टेन मूवमेंट ऑफ टाइम वेयर दे वर हैविंग देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एग्जैक्ट, ये यहां पर आया आई नेगेटिव, इसने अपना ये जो आयन का इंडक्शन है, चार्ज जो है उनके अंदर इंड्यूस किया, और ये जो चीजें होती हैं दे आर वेरी वेरी फॉर द शॉर्ट टाइम स्पैन, बहुत कम टाइम स्पैन में होती है, ये नहीं है कि वो रहती हैं इमीजिएटली हो जाती, इमीजिएटली वो जो है वो नॉन पोलर में चेंज हो जाते हैं, इमीजिएटली वो जो है पोलर में चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये टेम्पररी परमानेंट इफेक्ट है, दिस इज अ टाइम, you can say this is the effect for a very very short time period, बहुत कम time period के लिए, within seconds, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इसमें I negative ने polarities induce की, जिसके कारण एक जो है वो partial positive की तरह behave कर जाता है और दूसरा जो है वो partial negative की तरह behave कर जाता है, okay? So that is ion induced dipolar. एक आयन ने नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर क्या किया है, पोलैरिटीज इंड्यूस कर दी है, ओके, इज दैट क्लियर। ये होता कैसे है, देयर इज अ डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड और कुछ नहीं होता, जो आप फजान रूल में पढ़ के आए हो, पढ़ा ना आपने कि कैटायन जो है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचते हैं, पोलराइजेशन हो जाती है, जो एनायन का पोलर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो जाता है, स्लाइटली डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है, खराब हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही है, पहले बिल्कुल सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होती है, बाद में जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, एक तरफ जो है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर हमने कहना है, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट वन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बेटा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, यहां पर क्या लेना है हमने, सी इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ CCl4, CCl4 इज पोलर और नॉन पोलर, नॉन पोलर है, ठीक है। और यही अगर मैं कोई कीटोन ले लेती हूँ, Is this polar or non-polar? Polar है क्योंकि इसमें तो polarities induced हैं, ठीक है। हमने लेने क्या है, दो dipoles लेने हैं, okay? This is non-polar and this is polar. अब
ये इसके अंदर तो पोलैरिटीज नहीं है कंप्लीटली, जो है वो क्या है, अगर आप इसका पढ़ के आए हो, डाइपोल मूवमेंट हमने पढ़ी थी, द डाइपोल मूवमेंट इट एग्जैक्टली कैंसल्स आउट, ये इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो जीरो डाइपोल आती है इसकी। अब ये कम्प्लीटली क्या है, दिस इज नॉन पोलर एंड दिस इज पोलर मॉलिक्यूल। सो अब ये क्या करेगा, ये जो डाइपोल है इट इज गोइंग टू इंड्यूस्ड सम पोलैरिटीज इन दिस CCl4 मॉलिक्यूल, ठीक है। सो यहाँ पर आपका एक डाइपोल जो है वो दूसरे डाइपोल में क्या कर रहा है, या दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या इंड्यूस कर रहा है, डाइपोल इंड्यूस, डाइपोल, दिस इज द डाइपोल, यही है ना, इस डाइपोल ने इंड्यूस की दूसरे नॉन पोलर में, क्योंकि हमने डाइपोल्स लेने हैं, आयन नहीं लेना है, डाइपोल्स लेने हैं, ठीक है। दूसरे एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या इंड्यूस कर दी है, डाइपोल्स इंड्यूस कर दी। तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट दिस कीटोन इज गोइंग टू इंड्यूस सम ऑफ द पोलैरिटीज इन द CCl4 मॉलिक्यूल, ठीक है जी, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंट्रैक्शंस, इंस्टेंटेनियस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस, वेरी गुड, बहुत ही कम टाइम स्पेन पे, इंस्टेंट, बिल्कुल एक इमीडिएटली हो जाता है रिपोर्ट, ठीक है, दैट इज इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंट्रैक्शंस, नाम लिख लो, कल स्टार्ट करेंगे। फोर्सेस लंडन और डिस्पर्शन फोर्सेस, इसमें हमने वैन डर वाल फोर्सेस को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, जो हम